Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry in association with Cummins College of Engineering for Women, Nagpur. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN News पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। RBI ने मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वायनाड दौरे पर जा सकते हैं। लैंडस्लाइड से हाल ही में वहां भीषण तबाही मचाई थी, 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पर हमला हो गया है। मेजर मोहम्मद अली के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। बांग्लादेश में आज रात 8 बजे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार शपथ लेगी। यूनुस के साथ 14 और सदस्य शपथ लेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बांग्लादेश के लोगों ने नॉर्थ बंगाल की सीमा से भारत में घुसने की कोशिश की है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहा और अपनी मां के लिए ट्वीट कर कहा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SS संधू के साथ केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दौरा कर सकते हैं। रूस के कुर्स क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई है। रूस पर यूक्रेन ने दूसरे दिन भी हमला जारी रखा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के मौके पर डिप्टी CM अजीत पवार ने कहा कि सभी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। BJP अपनी पहली लिस्ट में उन सीट पर उम्मीदवारों को उतारेगी जहां उसे पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था या फिर उसे बहुत ही कम मार्जिन से जीत मिली थी। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। MVA की सरकार में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। इस बार चेहरा कौन होगा, इसका सभी को इंतजार है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हुई है जिन पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र से उदयनराजे भोसले और पीयूष वेद प्रकाश की सीट रिक्त हुई है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाइड होने के बाद राजनीति दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे षड्यंत्र करार दिया है तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से पहले अयोग्य ठहरा दिया गया है। इस पर सांसद अमोल कोल्ले ने साजिश का अंदेशा जताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भले ही विनेश फोगाट फाइनल नहीं खेल पाई लेकिन उन्हें इनाम से लेकर वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक सिल्वर मेडलिस्ट को दी जाती है। आज इवेंट के 13वें दिन भारत को मेडल की उम्मीद होगी। दरअसल जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा और गोल्ड मेडल जीत सकेंगे, साथ ही हॉकी टीम ब्रांज मेडल जीत सकती है। रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई है और सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान में खुले हैं। BSE का सेंसेक्स 47.52 अंक गिरकर 79,420 पर खुला है और NSE का निफ्टी 48.95 अंक या 0.20% की गिरावट के साथ 24,248 पर ओपन हुआ है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है। फिल्म इसी साल 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इस समय कई फिल्मों के सिक्वल पर काम जारी है। इन्हीं में से एक है सलमान खान की नो एंट्री, इसका दूसरा पार्ट बनने जा रहा है। इसी साल के अंत तक वरुण धवन, दिलजीत और अर्जुन कपूर की फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBCN News। नमस्कार।